हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरीश कुमार और आप देख रहे हो HK ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, जो हनी सिंह का गाना आया था दिल चोरी, वो काफी धूम मचा रहा है यूट्यूब पे और काफी पॉपुलर हो रहा है और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उस गाने को। ये जो गाना है पूरे 2 साल बाद हनी सिंह ने गाया है एक बॉलीवुड फिल्म के लिए। हालांकि इसमें हनी सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी इसके व्यूज जो है वो 50 मिलियन के पार होने वाले हैं। अगर इसके अंदर हनी सिंह दिखाई दे रहे होते तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हो इस गाने का कितना व्यू जाता। तो मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, अगर इसके अंदर हनी सिंह एक्ट कर रहे होते तो इस गाने का कितना व्यू जा सकता था, मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रहा हूँ उर्वशी रौतेला के बारे में, जो बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस है और हनी सिंह की काफी अच्छी दोस्त भी है। हालांकि उनको हनी सिंह ही गाए थे अपने गाने के जरिए, जिस गाने का नाम था लव डोज। वो गाना काफी पॉपुलर हुआ था और उसके जरिए उर्वशी भी काफी पॉपुलर हो गई थी। उसकी वजह से उनको काफी बॉलीवुड से ऑफर्स आने लगे थे, उन्होंने काफी अच्छी फिल्में भी की जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद वो आज एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है बॉलीवुड में से। तो फ्रेंड्स, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हनी सिंह नहीं होते तो उनकी ज़िंदगी इतनी बदल नहीं जाती, अगर हनी सिंह नहीं होते वो शायद बॉलीवुड में आ ही नहीं पाती। तो उन्होंने हनी सिंह की काफ़ी तारीफ भी की थी और उनकी काफ़ी सपोर्ट भी करती है वो। और वो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था, अगर हनी सिंह का अगर कोई गाना आता है वो सबसे पहले शायद मैं ही सुनती होंगी, मैं उनकी बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ। हालांकि जब दिल चोरी आया था तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था हनी सिंह को, उन्होंने कहा था वेलकम बैक यो, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी और आप काफ़ी सालों के बाद आए हो गाना लेके, उम्मीद है कि लोगों को ये गाना पसंद आएगा। और उन्होंने ये भी कहा था प्लीज़ आप सब ये गाना सुनना, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। उन्होंने उस टाइम भी काफ़ी मोटिवेट और काफ़ी सपोर्ट किया था हनी सिंह को। उसके बाद उन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में हनी सिंह के जो नए गाने हैं, एक पंजाबी सॉन्ग एक बॉलीवुड सॉन्ग कहा जा रहा है, उस गाने के बारे में भी काफ़ी चर्चाएँ की। हालांकि उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया इस गाने के बारे में, उन्होंने यही कहा कि मैं भी आप सबकी तरह आम इंसानों की तरह इंतज़ार कर रही हूँ उनका गाना कब आएगा। हालांकि वो उस गाने पे काम कर रहे हैं, उस गाने को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा मुझे उम्मीद है कि हनी सिंह बहुत ही अच्छा गाना लेके आएंगे, वो शायद फरवरी या मार्च तक रिलीज़ होगी और आप सब उसे काफ़ी पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हनी सिंह से रिलेटेड आज की न्यूज़। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हनी सिंह से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है या फिर उनके गाने से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे सबसे पहले। इस चैनल का नाम है फ्रेंड्स HK ब्लॉग। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और थैंक यू व्यूअर्स वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।